नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जो तेजी चल रही है ना IT स्टॉक्स में, उसके पीछे रीजन है और एक वैलिड रीजन है। ये शुरुआत हुई थी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से, जहां TCS ने नंबर्स दमदार पेश करे अनुमान के सामने। उसके बाद जो हुआ वो आप सभी ने देखा। TCS का शेयर रिजल्ट्स के बाद 7% भागा। अगले दिन HCL टेक्नोलॉजीज ने नंबर पेश करे, दमदार नंबर। अगले दिन शेयर 3.5% गैप अप होता है। कुछ समय शांति निकली और आज इंफोसिस के नंबर आए हैं। एक बार फिर से IT स्टॉक ने धमाका कर दिया है। इंफोसिस के बड़े शानदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं आप सभी के साथ एक एक करके सारी चीजें इंफोसिस की डिस्कस करने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज पूरे IT ने बाजार को ऊपर खींचा है। पूरा बाजार नीचे था, आपने निफ्टी को दिन के दौरान 24,500 पे भी देखा, लेकिन IT इंडेक्स उस समय भी हरे निशान में था। एट द एंड 2% के करीब की रैली आपको IT इंडेक्स में देखने को मिली है। चाहे TCS हो या इंफोसिस, सब में दीजिए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि हम कितने निचले स्तर से पूरे IT को रिकमेंड कर रहे हैं। जो लोग नए आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ₹3,000 पे TCS में मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया था बाय कॉल शेयर करके, और दबा के आपसे कहा था कि लेके बस बैठे रहना। कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होने दिया, बस पकड़ के रखिए कंटिन्यू का। इन्फोसिस 1450 से खरीदना शुरू करा था। जिस दिन 1220 का लो लगा था ना, रिजल्ट्स के बाद 10% क्रैश हुआ था। मैंने वीडियो बनाई थी, कहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आज ले लेगा ना वो बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। और बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आपके ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स, टॉप मोस्ट लार्ज कैप कंपनीज आपको 50-60% पैसा देने की दम रखते हैं आने वाले 1-2 साल में। ये वो मौका दे रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करते थे कि इन्फोसिस की जिंदगी खत्म है, 1100-900 रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब तो गायब हो गई, खैर वो। बट उस समय अगर किसी ने लिया तो काफी ज्यादा खुश है इस समय। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है उसका कि भाई अभी क्या करना है। तो भाई सिंपल सा जवाब देना चाहता हूं, अभी भी होल्ड करना है। इन्फोसिस का 1950 का लाइफ आई है, जो 2 साल पहले लगा था, उसको बीट करेगा और उसके ऊपर कम से कम 10% गेन मारेगा। तो ऊपर नीचे करके अब ये IT का समय आ गया है, क्लियर दिख रहा है हमें। पूरा बाजार कुछ भी करे, IT अच्छा करता है। अब रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 6,370 करोड़ पे आया है, 7,970 करोड़ से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप कहोगे भाई इतनी सारी बातें और प्रॉफिट टूट गया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और जो अनुमान था ना मार्केट का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अनुमान 6,200 करोड़ के प्रॉफिट का था, आया कितना 6,370 करोड़ का। तो नो डाउट पूरी तरीके से एस्टिमेट्स को बीट किया है इसके नंबर ने, ये दमदार नंबर है। अब आ जाता हूं अगले पैमाने पे, रेवेन्यू फ्रंट पे 37,900 करोड़ से बढ़कर 39,300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है, और ये 39,000 करोड़ के करीब का अनुमान था, इसको भी अनुमान से पूरी तरीके से बीट कराया अनुमान को। यहां भी मार्जिन्स की बात करें तो 20.1% के सामने 21.08% पे आ गए हैं। नो डाउट मार्जिन्स भी बड़े शानदार हैं, एबिट मार्जिन्स अनुमान 20.7% का था और 21.08% पे आए हैं। बड़े लेवल से मार्जिन्स में बीट कराया कंपनी ने। कंपनी के एबिट की बात करें अगर, तो कंपनी का एबिट 7,620 करोड़ से बढ़कर 8,288 करोड़ पे आया है, तो ये भी दमदार है, क्योंकि अनुमान 8,000 करोड़ के एबिट का था, तो उसको पूरी तरीके से बीट करा है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो ब्रोकरेज हाउसेज है ना, मेरे को इनको इतना ज्यादा, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, कभी कभार तो गुस्सा आती है। इसलिए आती है कि आप गिरते समय अच्छे शेयर को डाउनग्रेड करने में नहीं चूकते, और जब वही शेयर चलने लगता है तो फिर ऊपर के लक्ष्य आने लगते हैं। जब इन्फोसिस 1250 का हो गया था ना, तो 1150 रुपये के टारगेट दे रहे थे। मैं ये कह रहा था स्टॉक पहले ही टूट गया, केवल 70 रुपये नीचे के चक्कर में आप टारगेट दे रहे हो, अपने आप पूरा रिपोर्ट निकाल लियो। इससे कमजोर निवेशक डर जाएगा, वो कहेगा अरे नीचे जाएगा, रिपोर्ट खराब है, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि टारगेट पे आ गया। इतना सब खराब बोलने के बावजूद भी 70 रुपये नीचे का टारगेट दे रहे हैं, ये हाल था उस समय। अब आज शेयर चलने लगा, तो आज रिजल्ट आते ही देखो
टीडी कोवन ने टारगेट प्राइस रेज कर दिया है $16 से $17 का। और डेफिनेटली अब बहुत सारी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स भी होंगी जिन्हें अपग्रेड करेंगी और बड़े बड़े लक्ष्य देंगी। लेकिन जब शेयर खराब कर रहा था, टूट रहा था, तो किसी ने इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस देने का काम नहीं करा, सही गाइडेंस देने का काम नहीं करा। इनफैक्ट इन स्टॉक्स को तो लोगों ने अवॉइड करने का काम करा, कोई पूछ ही नहीं रहा था, जैसे ये कंपनी मतलब मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आज सब इनके पीछे पड़ रहे हैं और सब कह रहे हैं सदा बहार हैं, एवरग्रीन हैं और ये हैं और वो हैं, जब हम कहते थे तब। चलिए ओवरऑल देखा जाए तो इन्फोसिस 1750 पार हो चुका है, नंबर्स दमदार आए हैं, उम्मीद ये है कि अब लाइफ हाई ब्रेक होना ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।